हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शायला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर इश्तियाक अहमद ने, जो कि आपको पता है चमकते सितारे हैं, पाकिस्तान की जान है और आजकल इंडिया के विजिट पे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे शो पे ज्वाइन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया शैला जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। अक्सर आप पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप पे बात करते हैं। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आपने बहुत से उनके साथ आपने शो किए हैं, इंडिया में भी बहुत से किए हैं, लेकिन मेरा सवाल आज आपसे ये है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मसला कश्मीर को हल किए बिना ठीक हो सकते हैं? क्या कश्मीर को इग्नोर करके इंडिया और पाकिस्तान दोस्ती की राह पर निकल सकते हैं, या जब तक ये मसला है तब तक इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को अपना दुश्मन ही समझते रहेंगे? आपकी क्या राय है इस पर? इसको देखने के दो तरीके हैं। जी एक तो ये है कि जिस तरीके से ये दोनों मुल्क इसको हल करना चाहते हैं वो कभी अगले 1 लाख साल में नहीं हो सकता। यानी इंडिया जो है हमारे सारे कश्मीर को अपना हिस्सा बना ले और हम इंडिया के कश्मीर को अपने पाकिस्तान का हिस्सा बना लें। सो अगर ये दोनों की है, इसे कहते हैं मैक्सिमलिस्ट पोजीशन, देन यू टेक अ पोजीशन वेयर यू वांट एवरीथिंग विदाउट गिविंग एनीथिंग। ठीक है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। सो लॉजिकली दिस इज हाउ नेगोशिएशंस आर। यू कम टू द टेबल विथ योर एक्सट्रीम डिमांड्स एंड एक्सट्रीम डिमांड्स पे ही अगर आप टिके रहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। सो वन थिंग, पाकिस्तान wanting maximum उनकी बात मानी जाए, इंडिया wanting maximum उनकी बात मानी जाए, अगर उसकी तलाश में कश्मीर का कोई हल होना है तो वो नहीं हो सकता। हाँ, क्या जंग करने के बाद ऐसे हो सकता है कि पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान को लतेड़ दे या पाकिस्तान इंडिया को डिफीट कर दे कॉन्क्लूसिवली? ये एक छोटी जंगों में नहीं बट कॉन्क्लूसिवली होता है कि दैट्स द ओ इट्स ओवर, एक हार गया एक जीत गया। जी। मेरे ख्याल से उस किस्म की जंग अब मुमकिन नहीं या बहुत मुश्किल है। उसकी वजह है कि जो साइड भी हार रही होगी वो अपने बचाव में न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेगी, और जब एक दफा न्यूक्लियर पावर साइड ए ने यूज की तो साइड बी करेगा, और फिर ए इंटू बी, इस तरह ये पूरे इलाके में जो तबाही होगी वो अगले कई हजार साल तक यहाँ पे इंसान नहीं बच सकेंगे। बिल क्लिंटन ने, जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, उन्होंने एक स्टडी की थी जो मेरी गैरजन स्टेट किताब में, जो आपके पास है एक्चुअली उर्दू तर्जमा, उसमें उन्होंने कहा था कि 2002 में, यानी आज से 21 साल पहले, अगर एक न्यूक्लियर वॉर हो तो उस जमाने में इंडिया की पॉपुलेशन थी 1 बिलियन, 500 मिलियन, यानी आधी पॉपुलेशन जो है ना वो इट विल बी वाइप्ड आउट, उनका सफाया हो जाएगा। और ये आपकी किताब के चैप्टर 1 में था, इस्लाम का किला, मैंने पढ़ी है। हाँ, वो आगे चल के भी आप पढ़ें जहां पे बिल क्लिंटन का है। ठीक है, वो कहते हैं, और पाकिस्तान की जब 2002 में 170 मिलियन थी तो वो कहते हैं 120 मिलियन पाकिस्तानी मारे जाएंगे, इधर 50 मिलियन रह जाएंगे, वहां 500 मिलियन रह जाएंगे। और ये तो है जंग का एकदम जो होता है, उसके बाद जो बीमारियां लगती हैं रेडियो एक्टिविटी की वजह से, कैंसर देखे ना जापान में, जो हिरोशिमा और नागासाकी के वे जो बॉम्ब गिराए थे, अब तक वो क्या कहते हैं जेली बेबीज पैदा हो रही है, यानी चिल्ड्रन विदाउट हेड्स, नो बोन्स, वो जेली किस्म के हाथ, तो वो डिफॉर्म्ड बेबीज पैदा आज तक हो रही हैं जो मर गए तब, और कई जेनरेशंस तक वो बीमारियां लोगों के अंदर है। और उस जमाने का हिरोशिमा और नागासाकी का बॉम्ब तो बड़ा एलिमेंट्री था, अब दोनों तरफ जो बॉम्ब है वो ऐसी तबाही करेंगे कि इट कैनॉट बी इमेजिन्ड, इट कैनॉट बी इमेजिन्ड।
सो जंग के जरिए भी कश्मीर हल नहीं हो सकता, तो हल फिर क्या है कश्मीर का? जी वो यही है कि जो उनका हिस्सा है वो उसमें कनात करें, जो हमारा हिस्सा है हम उनको उस पर कनात करें, और इस बुनियाद पे कि ये दोनों कश्मीर अब इंडिया और पाकिस्तान की लेजिटिमेट लीगल टेरिटरी है, वहां पे बॉर्डर पे कश्मीरी जो रहते हैं, जो फैमिलीज डिवाइड हुई हैं, उनको आने जाने दें, बट जी एवरीबॉडी शुड नो दिस इज इनटू इंडिया, दिस इज इनटू पाकिस्तान। आप गए, मिले, वापस आ गए, जो भी किया, दोनों हुकूमतों की रजामंदी के साथ। ये एक सोल्यूशन है जो एक्सट्रीम पोजीशंस के दरमियान है, और इसमें किसी को कुछ नहीं करना पड़ता, ना इंडिया एक इंच छोड़ेगा ना पाकिस्तान, बल्कि जो इनके पास है वो इनके पास ही रहेगा। तो स्टेटस को देन बिकम्स द परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर। सो दैट्स माई सोल्यूशन। एक और है कि आप कहें कि कश्मीर का डिस्प्यूट हम डिस्कस करते रहेंगे, लेट्स स्टार्ट ट्रेड, लेट्स स्टार्ट बेसिकली ट्रेड ही हो सकती है ना, वरना आप क्या बातें करेंगे उनके साथ? हाँ जी जी, शायर इधर आ जाएं, शायर उधर चले जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने निसाब में से हिंदुओं के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ जो टेक्स्ट है वो आपको बदलना पड़ेगा, और इंडिया के अंदर अगर कुछ इस किस्म की चीजें हो रही हैं तो उनको भी उन्हें बदलना पड़ेगा। दोनों तरफ के मीडिया को बताया जाए कि दुनिया और भी बहुत बड़ी है और जी उसकी तरफ भी नजर डालो। हर वक्त इंडिया में हर बुराई ढूंढना और वैसी वर्षा जो है, ये एक वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, मेंढक, किसका मेंढक होता है, कुएं का मेंढक बन के रह गए, बरसात के मेंढक होता है। कुएं का मेंढक, यानी इसको पता ही नहीं कि दुनिया और क्या है। हाँ ये भी हमारी उस न्यूज में कुछ भी नहीं होता। इंडियन तो फिर भी वेल इन्फॉर्म्ड है, हमारे यहाँ तो सिर्फ वो इमरान खान, शहबाज शरीफ, सनाउल्ला खान, सनाउल्ला राणा, ये इस किस्म की वो विर्द होता रहता है। दे हैव नथिंग टू ऑफर। पाकिस्तान के चंद जर्नलिस्ट जो हैं वो अपना रऊफ क्लासरा जो हैं और मिनतुल्ला, या वो जो हैं वो सीरियस हैं, जो बड़े यानी के एस्टेब्लिश लोग हैं, और भी एक दो बड़े अच्छे मुनासिब लोग हैं पाकिस्तान में, डेयरिंग इंटेलिजेंट लोग तो हैं, लेकिन ये जो है ना थर्ड रेट के अपना जर्नलिस्ट, और जो जो इशारा होता है उधर से वैसी बात करना शुरू कर देते हैं, जी वो है। उनमें से एक ये भी है कि साहब अब्दुल्ला गाजी की वजह से ये हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से, ये कोई अकल की बात नहीं है। और पाक इंडिया में भी इस किस्म की चैनल्स हैं जो एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम बकवास करती रहती हैं। तो ये दोनों चीजें, दोनों हुकूमतें जब कहेंगी तो वो खत्म भी हो जाएगा, क्योंकि इस किस्म की जो चीजें हैं वो स्टेट की मर्जी के खिलाफ नहीं हो सकती, उसी के फ्रेमवर्क में होती हैं। मैं क्योंकि आई नो ना कि जो है प्रेस फ्रीडम, उसकी भी एक लिमिट्स है। सो दैट इज अनदर वे कि लेट्स स्टार्ट डूइंग ट्रेड इन पंजाब, कश्मीर पे बात करते रहें, ये वो, लेकिन वो कभी भी डिसरप्ट हो सकती है कि आप कश्मीर में फिर दो टेररिज्म हो गई तो वहां पे ट्रेड रुक जाएगी। आई डोंट बिल्कुल फाइंड दैट ए वेरी स्टेबल सोल्यूशन। स्टेबल सोल्यूशन यही है कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप जहनी तौर पे और लीगल तौर पे कबूल कर लें, लेकिन ये बहुत मुश्किल है, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए, जिनका पहले दिन से ये है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाहराग है, ये है वो है, पता नहीं ये क्या कहाँ से ये ढूंढ लाते हैं शाहराग की आर्ग्यूमेंट। क्योंकि 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई उसमें इंडिया ने 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया था, और 20% वो 20% को उन्होंने विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रीटी बड़ा अकल से इस्तेमाल किया है। हमने वो जो है पानी वो सारा बह बू के तो से अपना अरेबियन सी में चला जाता है, और अब जब वो फ्लड तो वो पानी वहां ही रुक जाता है, वो दरिया समुन्द्र के अंदर भी नहीं जाता, बल्कि समुन्द्र का पानी जो है वो लैंड पे आना शुरू हो गया। तो पाकिस्तान ने कोई सीरियस काम नहीं किया जिससे
बस कश्मीर कश्मीर कश्मीर, इकोनॉमी का सत्यानाश कर लिया, लोगों के कारोबारों का सत्यानाश कर दिया और कुछ भी ना कर सके। और इंडियन कश्मीर तो एक है, पाकिस्तानी कश्मीर में मुझे लोग बताते हैं कि लोग पाकिस्तान से कोई इतने खुश नहीं है जो मुझे खबर है। तो फिर व्हाट इज द पॉइंट इन 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 दिस ऑब्सेशन विद कश्मीर। मैंने तो ये भी कहा है कि 47 में ऑफर थी उनकी तरफ से कि कश्मीर रख लें और हैदराबाद में आप पंगा ना लें। हम नहीं माने, यानी जिन्ना साहब नहीं माने। आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड अगेन, मेरी जिन्ना वाली किताब जो है उसमें पढ़ लें, तीन जगह पे ये ऑफर है। और उसके बाद जब जंगें हो गई, एक दूसरे पे एतबार खत्म हो गया, तो फिर तो कोई एक इंच नहीं ना छोड़ता। उनके जवान मारे गए हैं, अफसर मारे गए हैं, हमारे जवान मारे गए हैं, अफसर मारे गए हैं, तो जो हमारा कश्मीर है, हु इज गोइंग टू गिव अप। और एक और बात है शैला, अगर हम वाकई एक थर्ड ऑप्शन के एक कश्मीर बन जाए, जो कि मेरे ख्याल से अगले 7 जन्म में नहीं बन सकता, हाँ जी कभी नहीं बन सकता, तो वो कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान के जेलम पे आ जाएगा। तो तुम रह जाओगे इस्लामाबाद में, हम रह जाएंगे इस पाकिस्तान के इस हिस्से में, तो पाकिस्तान के टुकड़े अपने आप ही हो जाएंगे। तो इस किस्म की सेंस बातें करने का क्या फायदा। सो कश्मीर का सलूशन मैंने तुम्हें बता दिया है जी। वो क्योंकि मैक्सिमम पोजीशन दोनों की लीगल आर्गुमेंट बहुत हो चुकी है, दोनों के पास अपनी अपनी तरीके से आर्ग्यू करने का केस है। बट जो यूएन का भी है ना रेजोल्यूशन, वो यही है अंडर आर्टिकल चैप्टर 6 दैट यूएन विल फैसिलिटेट अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। Actually, it means India and Pakistan alone can do it. No third power is needed. तो बस ये है। मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी है ना कश्मीर वाली बात। और बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी आंसर मिला है इस दफा हमें, क्योंकि बहुत सो के पास कोई जवाब नहीं है सवाए जैसे आपने कहा कि आर्गुमेंट्स करने के। सेकेंड सवाल मेरा आपसे ये है कि इस्लामाइजेशन और जिन्ना का सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का ताल्लुक क्या था जब पाकिस्तान बना? आपने अपनी बुक में भी इसका जिक्र किया हुआ है। देखें जी, जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाने के लिए इस्लामिक कार्ड बहुत प्ले किया है। यानी 1945-46 का जो इलेक्शन कैंपेन है ना, उस पे पंजाब के जो गवर्नर हैं सर बर्ट्रेंड ग्लेंसी की रिपोर्ट्स, हर 2 हफ्ते के बाद टॉप सीक्रेट रिपोर्ट्स, और उसके बाद सर एमन जेंकिन जो लास्ट गवर्नर थे, उन्होंने बार बार लिखा है कि मुस्लिम लीग इस्लामिक कार्ड प्ले कर रही है, मौलवी जो हैं वो नफ़रतें फैला रहे हैं हिंदुओं और सिखों के ख़िलाफ़, और बड़े बड़े वादे हो रहे हैं कि यहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनेगी और ये जो है हाई कोर्ट ये वो वहाँ पे नहीं जाएगा, हर प्रॉब्लम जो है मस्जिद में ला के तो मौलवी उसे सॉल्व करेंगे, इस किस्म की बातें इन्होंने की। अच्छा। और उसकी बुनियाद पे जिन्ना साहब ने इलेक्शन में मुसलमानों का वोट ले लिया। क्या वो वाकई इसीलिए बना रहे थे कि पाकिस्तान को इस्लामिक स्टेट बन जाएगा? इसके ऊपर ये है कि उनको तो कुछ इस्लाम उस्लूम का ही नो नथिंग अबाउट इट। वो देखें मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी जो बरेलवी मौलवी बहुत मशहूर है, उनकी मैंने पढ़ी है एक जगह के, वो कहते हैं कि मैं और जिन्ना साहब गाड़ी में जा रहे थे तो मेरा काम था उनको बताना कि हाथ कैसे रखने हैं, फिर उसके बाद हाथ कैसे रखने हैं। जिन्ना साहब को कुछ नहीं था पता। और 1936 में जब जिन्ना साहब पहली दफा गए हैं बादशाही मस्जिद में, तो कुछ लोगों का कहना है, ये कंफर्म नहीं है, कि वो जूतियां पहन के अंदर जा रहे थे, तो किसी ने कहा सर कि मस्जिद में जूतियां कोई नहीं पहनता, तो वो जूतियां उतारनी पड़ी। लेकिन जब वो सारा उनको वो अब्दुल हामिद बदायूनी ने सिखा दिया हुआ था, लेकिन ये नहीं था बताया कि जब इमाम साहब कहते हैं ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फिर अस्सलामु, वो जब उन्होंने कहा ना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो जिन्ना साहब को जैसे बताया गया जो आम था, उन्होंने कह दिया वालेकुम अस्सलाम। यानी ये दिस इज रिटन इन बुक्स भाई, कुछ तो स्टोरी है ना लोग बना लेते हैं। ये तो किताब में महल गाबा की किताब में शायद इसका जिक्र है, के अल गाबा की किताब में।
तो इस किस्म के और भी बेतहाशा किस्से हैं। तो जिन्ना साहब ने पाकिस्तान बनाने के लिए क्या कहते कि हिंदू और मुसलमान यार दोस्त हैं, देखे गंगाराम ने यहाँ पे अस्पताल बनाए हैं या कॉलेज खोले हैं, तो फिर पार्टीशन की बुनियाद नहीं ना बनती। आपने हर वो बात बनाई अपनी बुनियाद सियासत की कि दोनों के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उनको पोलिटिसाइज किया जाए। देखो डिफरेंस तो तुम्हारा मेरा भी एक बात पे हो सकता है, लेकिन अगर उसको आप पॉलिटिक्स का बुनियाद बुला लें तो वो झगड़े की बुनियाद बन जाता है, जी ठीक है झगड़ा ना। है। तो जिन्ना ने 22 मार्च 1940 के बाद कभी एक दफा भी किसी ऐसे सोल्यूशन को कि हिंदुस्तान यूनाइटेड रहे एक्सेप्ट नहीं किया। कैबिनेट मिशन प्लान पे एक तुम आइंदा मेरे साथ अलग प्रोग्राम करना, वो भी ठीक एक है ठीक बहुत बड़ा झूठ है यहाँ पे कि जी वो तो मान गए थे तो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। उसकी पूरी बैकग्राउंड मेरी अंग्रेजी की ओरिजिनल उर्दू के ट्रांसलेशन में आ चुकी है, तो वो भी मैंने जी रेफरेंसेस के साथ क्लियर कर दिया। तो अब ये है कि पाकिस्तान बना तो इस्लाम के कार्ड के ऊपर ना, जी इतनी तकरीरें हैं जिन्ना साहब की जिसमें कुरान और ये कहा गया है कि द कुरान और इस्लाम डिमांड्स के हर मुसलमान कुरान शरीफ पढ़े, जिसमें इंटरनेशनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ, सिविल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, हर चीज, पर्सनल लॉ, हर चीज कुरान के अंदर है। तो यही फंडामेंटलिस्ट इस्लाम मौदूदी भी तो यही कहते हैं ना कि हर चीज कुरान शरीफ के अंदर है। तो कुछ मौलवी जो हैं वो इस स्पीच को कहते हैं, और बेतहाशा जगह पे उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान विल बी एन इस्लामिक स्टेट। ये पिशावर में कहा था आई थिंक नवंबर 1945 में। मेरी सारी यार तकरीरें किताब के अंदर हैं, कोई अब भाग नहीं सकता कि ये उन्होंने नहीं किया या कहा। आई हैव पुट एवरीथिंग ऑन पेपर, और मैंने कहा यार एक तकरीर दिखा दो बाय 22 मार्च 1940 के बाद जहां पे उन्होंने इस पोजीशन से जरा भी वो हटे हो, तो एक भी नहीं है। तो वो चाहते थे इस्लामिक स्टेट या वो जानते थे इस्लामिक स्टेट क्या होती है, वन कैन ऑलवेज डिस्कस। ही न्यू नथिंग, उन्होंने कभी कोई इस्लामिक हिस्ट्री नहीं पढ़ी, बेहाल कोई किताब पढ़ी भी थी तो ये जो होती है ना चार चार आने की किताबें लोग लिख देते हैं वो पढ़ ली होगी। उन्होंने आज तक कभी कोई तीन चार पैराग्राफ का कोई खत या आर्टिकल भी नहीं कभी लिखा। वो छोटी छोटी उनकी वो तकरीरें हैं जो वो करते हाँ हैं, छोटी हो या लंबी हो, फिर वो जो बोले हुए हैं वो शायद लिखी होंगी, बट दैट्स ऑल। उन्होंने ना कोई और फलसफे की किताब पढ़ी है, ना उन्होंने कभी हिस्ट्री की किताब पढ़ी है। तो फॉर हिम टू गेट पाकिस्तान द इस्लामिक कार्ड वॉज द मोस्ट इफेक्टिव। क्या वो उसको फिर वाकई मौलवियों के कहने के मुताबिक जो वो खुद चाहते थे कि इस्लामिक स्टेट बने, तो उसपे कई किस्म की पोजीशंस है। एक स्पीच वाहिद है जिसमें इस्लाम का जिक्र नहीं है, वो 11 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान अभी 3 दिन के बाद बनना था, उसमें उन्होंने कह दिया इन द ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान हिंदूज विल सीज टू बी हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल सीज टू बी मुस्लिम्स, नॉट इन अ रिलीजियस सेंस बिकॉज दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइवेट फेथ बट एज सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। तो वो जो जिसने वो रिपोर्ट किया है हेक्टर बोलिथो और स्टेनले वॉलकॉट कहता है कि लोग वहां पे भक्का बक्का रह गए कि ये जिन्ना साहब एकदम इनको क्या हुआ है, क्या ये भूल गए हैं, ये 7 साल क्या कहते रहे हैं। तो ये क्या वाकई जिन्ना वॉज बैक इन टू दैट टाइम जब वो लिबरल हुआ करते थे। मैंने कहा है कि ये दोनों चीजें नहीं है। जिन्ना साहब को किसी ने बताया होगा कि हुजूर यहां से अगर हिंदू और सिख जिस तरह भाग रहे हैं, अगर वहां से इंडिया से मुसलमान बोला आना शुरू हो गए। हाँ तो 35 मिलियन आ जाएंगे। उस जमाने में जी वेस्ट पाकिस्तान जहां यानी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर आप वाला खैबर पख्तूनख्वा, जी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की पॉपुलेशन सिर्फ 33.7 मिलियन थी। सिर्फ बहुत इसमें स्मॉल 35 मिलियन आ जाते तो यहाँ पे तो उस जमाने में ना कोई
टेबल थी, ना लिखने का कोई पेंशन था, तो वो कहाँ से उनको खिलाते, कहाँ उनको बसाते। तो इन्होंने ये बयान दे दिया ताकि इंडिया से ये ना हो, और यहाँ पे कहना पड़ेगा कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, और ये भी कहना चाहिए कि होम मिनिस्टर जो हैं सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ऑटोमेटिकली होना ही था। इन सब ने उस जमाने में जो मुसलमानों पे हमले शुरू हुए थे वो बंद करवा दिए, नहीं हुए। और जो जो लोग नहीं आना चाहते थे वो फिर वो वहां ही रह गए। इसके बरक्स पाकिस्तान में 3 जून 47 प्लान के मुताबिक अगर वो हिंदू और सिख जो पाकिस्तान में होने थे रहते, तो 21% आबादी वो हिंदुओं और सिखों की होगी होती। उन सब पे हमले हुए और वो भाग गए। ये भी कहना चाहिए कि जिन्ना साहब कहते रहे कि भाई नहीं, आप माइनॉरिटीज पे हमले ना करें, इस्लामी असूलों के मुताबिक उनका ख्याल रखें, लेकिन किसी ने नहीं जिन्ना साहब की बात सुनी। क्योंकि जिस बुनियाद पे उन्होंने ये बनाया था, टूट फूट, मिलियंस लोग घर से बेघर हुए थे, उनको घर चाहिए थे, तो वो घर वहां से यूपी से और मद्रास से उठा के साथ अपने लाते। यहाँ पे जो हिंदू मेला बैठे थे और सिख बैठे थे उनको ही निकाल के उनके घर ले सकते थे ना। तो ये हुआ है। शॉर्टकट तो मारा इन्होंने। इस्लाम उनका कभी भी प्रोग्राम नहीं था। एक स्पीच अगर इस्लाम का जिक्र नहीं किया तो अगले दिन 14 अगस्त को उन्होंने इस्लाम का जिक्र फिर अपनी तकरीरों में करना शुरू कर दिया। तो मेरी किताब में उसके बाद कई एविडेंस है जहां उन्होंने बार बार कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम शरिया जो है वो ही हमारा फ्रेमवर्क है। सो ही वॉन्टेड सम सॉर्ट ऑफ मुस्लिम स्टेट जो इस्लामिक भी हो और किसी तरीके से डेमोक्रेटिक भी हो। तो वो एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान का जो है तुम्हारे सामने ही है। आज ना कोई हमारी हुकूमत है, ना कोई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की कोई सेंक्टिटी है, जो चाहता है कर लेता है पाकिस्तान में। ये है शाला जी हकीकत ठीक पाकिस्तान हो की। गए। बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने 1947 से लेके अब तक के हालात बताए। जदीद जहादी ऑर्गेनाइजेशन का ठिकाना पाकिस्तान ही क्यों बना, कोई और मुल्क क्यों नहीं बना? तमाम दुनिया की जहादी तंजीमें मुल्क के पाकिस्तान में इकट्ठी होने लगी और यहाँ से ताकतवर होके पूरी दुनिया में जहाद फैलाती रही। आखिर पाकिस्तान अगर इस्लामिक स्टेट था तो क्या जहाद करना लाजिम हो गया था सब पर? सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये भी देख लो, 1977 में जनरल जियाउल हक पाकिस्तान में आ गए इन पावर। 1979 फरवरी में ईरान में मौलवी आ गए कट्टर पावर में। 1979 दिसंबर में, नहीं 1978 में अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों ने हुकूमत कैप्चर कर ली, और 1979 दिसंबर तक सोवियत यूनियन सबसे पहले पाकिस्तान में जनरल जिया उल हक जुलाई 77 में आ गए, और अप्रैल 1978 में अफगानिस्तान की हुकूमत जो थी अपना वो दाऊद खान की वो गिर गई। उससे पहले उन्होंने किंग जाहिर शाह की हुकूमत को गिरा दिया था। तो वहाँ कम्युनिस्ट जो है उन्होंने हुकूमत कायम कर ली अप्रैल 78 में। फरवरी 1979 में खुमेनी और उसके मौलवियों ने ईरान में हुकूमत कायम कर ली, और 1979 दिसंबर में अफगान कम्युनिस्ट हुकूमत के इनविटेशन पे रूस ने अपनी रेड आर्मी जो कम्युनिस्ट आर्मी थी वो भेजी। तो सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में उनको एक मौका मिल गया कि वियतनाम में, क्योंकि अमेरिका को एक बहुत बुरी हार फेस करनी पड़ी थी, अब उन्होंने कहा कि सोवियत यूनियन को हमने इसके इससे बदला लेना है। तो ठीक उन्होंने हो पाकिस्तान को कहा कि आप हमारे पुराने एलाई हैं और आपको हमने सारी इकोनॉमिक एड और जो फौजी एड देते रहे हैं वो तो कम्युनिज्म को रोकने के लिए है, तो अब आए हमारे साथ। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि हमें पैसा दें और हथियार दें तो आपका जो है ये हम करते हैं, तो उसको इन्होंने जिहाद कहा।
اچھا اسلامک لا کے مطابق جہاد صرف مسلمان اور اسلامک اسٹیٹ کر سکتی ہے، امریکہ سے پیسے لے کے تو جہاد نہیں نہ ہوتا، ایک غیر مسلم اسٹیٹ سے پیسے لیے اور ڈائریکشن لیا، ہتھیار لیے، سعودی عربیہ نے فنڈنگ اس لیے کی کہ ایرانی جو ہیں وہ اپنا انقلاب کرنے کے بعد سارے مڈل ایسٹ میں چاہ رہے تھے اپنے ورژن آف اسلام کو کرنا، تو ان کو آنا پڑا اس جنگ کے اندر۔ تو اس میں امریکن سعودی انوالومنٹ سے انہوں نے ساری دنیا کے جو مسلم یوتھ ہے ان کو پشاور بلایا، اچھا ہاں انڈونیشیا سے اور ملیشیا سے، بہت کم انڈیا سے بھی، لیکن آلسو اے فیو فرام انڈیا، اور ہزاروں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پاکستان سے، افغانستان سے، یہ اسامہ بن لادن تو سعودی ہے، یہ آ گئے ایجپٹ سے، موراکو سے، سیریا سے، ٹونیشیا سے، اور شاید عراق سے بھی، اور مے بی ناٹ، لیکن جو جارڈن سے اور فلسطینی، یہ سارے ہزاروں کی تعداد میں آئے اور یہاں پہ ان کو ٹرین کیا گیا جہاد کے فلسفے میں کہ اسلام تو جہاد کے بغیر ہے ہی نہیں۔ تو دیکھیں کمیونسٹ آ گئے ہیں ایک مسلم ملک میں، تو آپ اب جہاد کریں۔ تو پھر انہوں نے پاکستان کی آرمی کو، آئی ایس آئی کو اس میں انوالو کیا، یہ سارا میرے گیریزن اسٹیٹ کتاب میں آل دا فیکٹس آر گیون۔ تو اس جہاد میں پھر پہلے ہوتے تھے صرف 400 مدرسے شیلا پاکستان میں، جہاں پہ کیونکہ دیکھیں جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو نئے مولوی آتے ہیں، ان کا کام تھا مولویوں کو تیار کرنا جو بعد میں پیش امام، یعنی مسجد میں شادی کہہ رہا ہوں، وہ نماز کے لیے اپنا رول پلے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ سی آئی اے، امریکہ، سعودی انوالومنٹ، چائنا بھی انوالو تھا، امیجن، حالانکہ وہ چائنا کمیونسٹ ملک ہے، اس نے بھی 400 ملین ڈالر ڈالے، ایجپٹ انوالو، اسرائیل انوالو، یہ سارے سعودی اس کے اندر انہوں نے پیسہ لگایا، لوگ لگائے، اور لاکھوں لوگ کو یہ جہادی فلسفہ سکھایا، اسی میں سے سیوسائڈ بامبر نکلے، اور پھر 1979 سے لے کے 1983 تک وہ سو کالڈ افغان جہاد ہوتا رہا پاکستان کے ذریعے، اور یہ سارے لوگ پشاور میں آ کے ٹرین ہوئے تھے نا۔ بعد میں جب وہ 1989 میں سوویت یونین نکل گیا اور امریکہ نے بھی چھوڑ دیا افغانستان کو، اس علاقے کو، تو پھر جو طالبان اور یہ جو لشکر بنے تھے ان ساروں کو انہوں نے انڈین کشمیر میں بھیج دیا، اور کچھ نے جا کے انڈیا کے شہروں میں بھی یہ ٹیررزم کی، اس کا ستیاناس الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی بہت ہوا، کیونکہ طالبان جو ہیں ان کو انہوں نے تیار، مطلب وہ انہوں نے حکومت کی تھی تو پاکستان ہی ان کو سپورٹ کرتا تھا، مگر جب 9/11 کا حملہ ہوا امریکہ پہ اور کئی ہزار ان کے لوگ مارے گئے، تو پھر بش نے کہا کہ ہم افغانستان کو اٹیک کرتے ہیں، اینڈ یو آر آئیدر ود اس اور اگینسٹ اس، پاکستان کو یہ الٹیمیٹم دیا۔ تو جنرل مشرف نے اپنے افسر سے پوچھا کہ یار امریکہ اگر ہم پہ حملہ کرے تو کتنے دن ہم اس کے، انہوں نے کہا جی 6 دن، 7واں دن ہمارے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر پلٹا کھایا اور وہ وار آن ٹیرر میں حصہ لے لیا۔ وار اور ٹیرر جو ہے وہ ایک تو القاعدہ کے خلاف ہوئی، ساتھ ساتھ طالبان حکومت کے خلاف ہوئی، وہ طالبان پھر آ کے پاکستان میں ٹیررزم کرتے رہے اپنا 2013 تک، اور کئی ہزار لوگ مار دیے گئے۔ اسی دوران میں یہ یو کے سے، امریکہ سے پاکستانی آنے شروع ہو گئے اور ان کو ٹریننگ ملتی رہی، وہ جا کے لنڈن میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے انڈر گراؤنڈ میں جو ہوتی ہے وہاں پہ بم چلائے، بسوں میں چلائے، یہ تو ہماری ساری آنکھوں کے سامنے ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے پاکستان کو کہنا شروع کر دیا دنیا نے دا ایپی سینٹر آف ٹیررزم۔ ایپی سینٹر ہوتا ہے دا ویری سینٹر اراؤنڈ وچ
अर्थक्वेक होता है ना, उसे कहते हैं एपी सेंटर. सो दे सेड पाकिस्तान इज एन एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान इज अ रोग स्टेट. रोग होता है जो एक जिसका कैरेक्टर ही शैतानों वाला होता है. मतलब रोग मीन्स दैट, हम किसी को कहें ना यू आर अ ब्लडी रोग, इसका मतलब है तुम कह रहे हो तुम बहुत बद आदमी हो. दिस इज एन इंग्लिश स्टेटमेंट ना, रोग. वो भी पाकिस्तान पे इल्जाम लगा. तो ये है तुम्हारे सवाल का, ये जिहाद जहूद पैसा लेके इन्होंने अमेरिका के लिए किया और सऊदियों ने करवाया था कि ईरान का इन्फ्लुएंस ना दुनिया में फैले, और चाइना ने इसलिए किया कि वो रूस के साथ अपनी, अब तो उनकी दोनों की फिर दोस्ती हो गई यार. होता ये है कि मुल्कों की दोस्तियां होती हैं ख़त्म हो जाती हैं. ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान और इंडिया जो कभी दोस्ती की तरफ आते ही नहीं, और उसमें पाकिस्तान की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि टेररिज्म तो हमने वहाँ पर करवाई है ना. तो अब कहते हैं कि बलूचिस्तान में भी इंडिया का हैंड है, एक बंदा भी उन्होंने पकड़ लिया हुआ है. So this is the sad story. I hope, Shaila, I've answered all your questions. डॉक्टर साहब बिल्कुल, डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे जवाब दिए, और वो चीज़ें जब आप बोल रहे थे एक मंजर आपके नज़र के आगे क्रिएट होता चला जा रहा है कि उस ज़माने में और अब तक ये मुसलसल होता रहा है, और इसमें कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं लगा. अगर होता तो कोई ना कोई बेहतरी आ ही जाती, बट दिखने को नहीं मिली है. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपकी राय के लिए, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए. दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में आप अपनी राय भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. डॉक्टर साहब का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, इनको भी फॉलो करें. मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा. गॉड ब्लेस यू ऑल.